हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सालू कटारिया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं फिर ब्लॉग को स्टार्ट। आपने अगर मेरा कल का ब्लॉग देखा नहीं है तो अभी जाकर देखना, उसमें शिव अभिषेक दिखाया हुआ है। तो चलिए जी, जो कि मैंने घर पे ही शिवलिंग बनाए थे तो हम सब ने उसकी पूजा की थी, शिवलिंग की। कल जल चढ़ा था तो आज भी जल चढ़ रहा है, क्योंकि शाम से कल चौदस लगी है तो आज भी जल चढ़ रहा है। तो कांवड़ियाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए मैं सुबह ही मंदिर चली गई थी जल्दी। तो बस जी, अब तो काम हो रहा है, ऑफिस वाले सब ऑफिस जा चुके हैं, अब कर रहे हैं हम अपना घर का काम स्टार्ट। उससे पहले मैं जो ये साड़ी है ना, साड़ी में काम नहीं होता मेरे से, तो होता नहीं है। जितना कर सकती हूँ उतना कर लेती हूँ, बट जैसे अब कपड़े धुलने हैं तो वो कपड़े वगैरह कर नहीं सकती। और वैसे भी मेरा छोटा बेबी है, उसको दूध भी पिलाना होता है, उसको फीड भी करवाना होता है, तो इसीलिए मैं नहीं संभाल सकती इतनी देर तक साड़ी। तो वो जी, बस इसलिए अभी चेंज करूँगी, उसके बाद में काम में लगूँगी। काम अभी देखो, आपको जैसा पता है सब पड़ा हुआ है, ऐसे इधर भी देखो सब फैला हुआ है, सब काम फैला। फिर बात बतानी थी मेरे को आपको, मैं भूल गई। हाँ, आज एक तो समीक्ष स्कूल जा चुका है, समीक्ष आपको बताइए, समीक्ष के स्कूल चल रहे हैं। तो समीक्ष के आज मैंने लंच बनाए थे पुलाव, समीक्ष आज पुलाव लेकर चला गया है। मेरे को बोल रहा था, मैंने कहा पुलाव बना दो, तो वो बोल रहा रोटी दे दो मुझे, मुझे रोटी खाने। तो मैंने कहा रोटी आप सब्जी के साथ नहीं खाओगे? फिर कह रहा ठीक है। फिर मेरे अप्पा में ना दो ही आलू मतलब दो पीस आलू के, मैंने कहा ठीक है। तो जी बस वो चला गया। आज मैंने उसको बिस्किट भी रखे थे, देखते हैं खाते हैं नहीं खाता, फ्रूट तो जाती नहीं उसके, बट मैंने आज बिस्किट भी रखे थे उसके लंच में, तो देखते हैं क्या खाता है क्या नहीं। ऐसा छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा खाता भी नहीं है, कम ही खाता है। तो जी बस अब काम स्टार्ट करते हैं, पूजा भी हो चुकी है ऊपर भी, और सुबह ही विसर्जन कर दिया था मैंने, मतलब विसर्जन तो शाम को कर दिया था मेरे पापा ने। तो बस मैंने सुबह उन्हें गमले में ही सला दिया सारा पानी, सलाना ही बोलते ना वो, सारा पानी गमले में ही सला दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था अपने गमले में सला देना जो भी जितना पानी है, फल है फूल है। फल तो हमने जो फल थे वो हमने मंदिर में करवा चढ़वा दी, जो दक्षिणा वगैरह भी थी वो भी मंदिर में ही रखवा दी, मंदिर में पंडित जी को दे दिया। तो बस सब काम हो चुका है, सब अच्छे से हुआ, मेरे को बहुत खुशी मिल रही है, मेरा अंदर से बहुत दिल खुश हो रहा है इस चीज़ के लिए कि जैसे हम लोग जन्माष्टमी पे कान्हा जी को करते हैं ना, उनका अभिषेक करते हैं सारा जब उनका जन्म होता है, तो ऐसे ही कल शिवलिंग का हुआ, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा। घर में जब सारे इकट्ठे होके बैठते हैं, बस पापा और छोटे वाला देवर है ना, वही नहीं थे, अगर वो भी दोनों होते तो और भी अच्छा लगता। तो जी बस यही थी, एंड अब करते हैं काम स्टार्ट, में फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो ये देखो किचन इतनी फैल रही है, बच्चे ने इतनी साफ कर दी है, और मैं आपको पुलाव दिखाती हूँ। ये तो देखो, ये तो बैंगन की सब्जी बनाई है पतली पतली सी, ये है पुलाव। आज मैंने इसमें मटर नहीं डाली, मटर थी नहीं तो मैंने इसके नहीं डाले, फिर मैं सुबह सुबह मंगाने भी ज़रूरी नहीं समझी। ये मैंने सब्जी में से उसके आलू निकाले दोपहर के लिए, लंच के लिए उसके पराठा बनाने के लिए, उसको पराठा बोलते हैं आलू का। तो जी बस ये देखिए, ये वही प्लेट जो हमने कल ली थी, ये मैंने क्लीन करके यहाँ रख दिया, ऊपर रखनी है। ये रे कान्हा जी भी, पूजा हो चुकी है, वो तुलसी मिश्री रखी है। तो गाइस मैं यहाँ बैठी हूँ, काम मेरा हो चुका है, टाइम हो रहा है एक बजने वाला है, 10 मिनट रह रही है बस, तो वो समीक्ष भी आने वाला है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखो मैंने आपको फ़ोन चार्जिंग लगा रखा, मैं फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी चली जाती है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, काली सी काली काली सी हो गई ना, अब धूप में से आए ऊपर से कपड़े वगैरह सुखा कर। तो बस अब नीचे चलते हैं, छोटे वाला जो लड़का है वो सोने लग रहा है, तो बस इसीलिए मैं अब नीचे जा रही हूँ, बड़े वाला लड़का आने वाला है। अगर वो उसने पुलाव नहीं खाए होंगे तो उसके लिए पराठा वगैरह बनाऊँगी, देखते हैं। चलिए तो मैं चलती हूँ नीचे, और टाइम हो रहा है 8:15 हो रहे हैं, खाना मैंने लगभग बना दिया है, बस पापा और जो छोटे वाला देवर है और मेरी, हम तीनों की रोटियां रह रही हैं। तो बस मैं भी फास्ट जब ही खोलूंगी बाद में,
तो जी मंदिर से आ गई थी मैं और नीचे ही बैठ गई थी, तो देखा आवाज आ रही है दोनों बच्चों की, वो उन्हें ऊपर आना है। क्यों उनके पापा आते हैं ना जैसे, तो बस उन्हें लग जाती कि हमें भी ऊपर जाना है, हमें भी ऊपर जाना है। और अभी यहीं से गए हैं वो दोनों, अब ये खाना खा रहे हैं ना, तो अभी उनको आके बस परेशान करना है उन्हें। तो बस जी, और कल है मावस, तो सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। देखते हैं, आज तो जब मैं जल्दी उठी थी 5 बजे उठी थी करीबन, तो छोटे वाले ने बस रोना शुरू कर दिया है, इतनी हालत ख़राब कर देता ना सबकी बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं सुबह को कैसे होगा, करना तो है ही, काम से कौन पीछे हट सकता है, तो काम तो करना है, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अभी मैं बाकी का और काम कर लेती हूँ जो रह रहा है, उसके बाद मैं मिलूंगी आपसे बाद में। तो गाइस देखिए, बच्चे आ चुके हैं और काम भी सब हो चुका है, किचन भी क्लीन कर चुकी हूँ मैं, और ये देखो तीनों की क्या मस्ती चल रही है, तीनों ही छोटे वाला, वो बड़ा, मेरे आज के पापा, तो बस इनकी मस्ती चल रही है। एंड मैं अपने ब्लॉग का बस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शालू कटारिया ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, समझ बाय कर दो। बाय, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।